नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर से रिलेटेड। भाई कतर में मैं बता दूं सबसे ज्यादा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वार्षिक रिपोर्ट आती है कि कौन से देश में क्या स्थिति है, तो कतर में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण होता है। शोषण भी एविडेंस में बताऊंगा, आंकड़े दिखाऊंगा कि शोषण किस तरह से कंपनियां करती हैं, आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। आप जो कतर में रहते हैं आप लोगों को तो पता ही है। हालांकि भी कतर सरकार ने कानून भी पास किया है जो लगभग जनवरी में या फरवरी में लागू हो जाएगा कि 1800 रुपये मिनिमम सैलरी कर दी है, फिर बताया 1000 रुपये कर दी है, 3 रूम का खाने का अलग से दिया जाएगा वगैरह वगैरह ऐसा है। तो उसमें 1000 मिनिमम सैलरी ऐसा कुछ ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले भी कंपनियां इतनी मतलब बेकार होती हैं कि कानून सरकारी कानूनों का आदेश भी वो पालन नहीं करती हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि कल कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 2020 यहाँ साथियों सबसे खराब साल ये निकला है वर्ल्ड में। कोई भी कंट्री, कोई भी लोग ऐसे नहीं है जिनकी ये साल बर्बाद नहीं हुई या खत्म, यानी स्थिति सब लोगों की खराब है। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खराब उनकी है जो कतर में जॉब कर रहे थे कंपनियों में। जी हाँ, कंपनियों ने उनको रहना नहीं दे रही थी। कोविड यानी कतर एक धनी देश है, आप सब लोगों को पता है ना, कतर कोई पैसे वाला देश है, कोई गरीब देश तो है नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां की कंपनियां इतना मतलब सरकारी आदेशों का दुरुपयोग कर रही थी। कोविड में भी उनको सैलरी नहीं देना, खाना नहीं देना, रहना नहीं देना, उनको पूरी सुविधाएं नहीं देना, अनपेड यानी आपको जबरदस्ती घर पे भेजना, टिकटों का पैसा आपका लगना, ये सब चीजें आप लोगों के साथ हुई थी। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट में निकल के आया। जी हाँ, 12,000 लोगों ने एक साथ रिपोर्ट वहां पे दर्ज करवाई, उसमें ये बातें आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि कतर की जो कंपनी है सबसे ज्यादा वर्करों के शोषण करती है, उनकी कोई सम्मान नहीं है, उनको मतलब एक भिखारी की जिंदगी जीना होता है। बांग्लादेश का एक वर्कर है कि मैं 4 लोगों को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के कतर में आया था, यहाँ पे मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो मैं यहाँ भिखारी बन के थोड़ी रहने आया था, इससे तो बढ़िया मैं मेरे घर पे ही था, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे। मतलब ये स्थिति सब लोगों की है कतर में। बात करें तो 2 मिलियन, जी हाँ साथियों, एशिया के 2 मिलियन लोग हैं जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और भी कंट्रीज के लोग हैं। 2 मिलियन से ऊपर लोग वहाँ पे काम करते हैं। 2022 में वहाँ फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है वो भी होने वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा चल रहा है, देश अच्छा पैसे वाला है, उसके बावजूद भी गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं उनको टाइम पे रहना खाना सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही है, अंतः बोनस भी नहीं मिल रहा है। सेवा बोनस आपको पता है कंपनी छुट्टी देती है तो आपका जो पीछे का जितने टाइम आपने काम किया है तो आपका बोनस बनता है ना, वो तो देने का सवाल ही नहीं है। ये स्थिति है कतर में कंपनियों। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया एक कंपनी ने तो 2000 लोगों को जैसे काम कंपनी बंद हुआ निकाल दिया, जाओ कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है। अब सरकार ने बाद में आदेश भी दिया कि भाई इनकी सैलरी दी जाए, सैलरी कटौती नहीं की जाए, उनका जो भी है उनका पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी सरकारी आदेश कंपनियां नहीं मान रही है। तो इसके ऊपर एक अच्छा कानून बना के सख्ती के साथ, जैसे वीई में चलता है ना, वीई में दिक्कत कर कंपनियां करती हैं तो उनको पता है क्या खामियाजा उनका भुगतना पड़ता है, तो लेबर लॉ सख्त होना जरूरी है। वीई की तरह, दुबई की तरह अगर लेबर लॉ सख्त होगा तो मजदूरों का हित में रहेगा, आपको कंपनियों को वर्कर भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए माइंड में घुस गए कि कतर में सही नहीं है तो कौन जाना पसंद करेगा भाई, वर्कर तो आपको एशिया से ही मिलने हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ही मिलने हैं, कतरी लोग काम नहीं करेंगे और कंट्रियों के लोग काम नहीं करेंगे वहां पे, मजदूरी का काम तो ये लोग करने वाले हैं, इनके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं होगा तो कौन कतर जाना चाहे पसंद करेगा। फिर आगे देखते हैं क्या सरकार इसमें कड़े कदम उठाती है। फिलहाल तो कंपनियां विफल रही हैं, सरकार एक तरह से सरकार को भी हम इसमें मानते हैं विफल ही है। अगर कंपनियां वर्करों को तनख्वाह सैलरी नहीं दे रही है तो सरकार कठोर नियम बनाए ना, वह लेबर हित में लेबर लॉ स्टिक बनाए, वो तो डरते हुए पैसा टाइम से पहले देने की सोचेंगी, ब्लैकलिस्ट करें सालों को, सबको कार्रवाई करें, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करके बड़े भारी जुर्माने लगाएं ताकि उनको एहसास हो जाए कि वर्करों के साथ अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ फिर सरकार गलत करेगी, कंपनियां बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे नियम है लेबर लॉ में अगर सरकार बनाना चाहे तो। बाकी देखते हैं 2021 आप लोगों के लिए कतर के लिए कैसे क्या होता है। आगे अच्छी कोई जानकारी आएगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।